और अब हम मोना जी से बात करेंगे। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और रामपुर खास की कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ हैं। मोना जी, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, रामपुर खास में एक बार और रिकॉर्ड बनेगा? रामपुर खास ने हमेशा इतिहास बनाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर के अभी तक, तो मुझे विश्वास है कि रामपुर खास रिकॉर्ड बनाता है, इस बार भी रिकॉर्ड बनाएगा। अच्छा, बहुत सारे दर्शक नहीं जान रहे होंगे, लेकिन ये बता दीजिए कब से ये सीट लगातार आप लोग? 42 वर्षों से ये सीट, सन 80 से लेकर आज तक 9 बार मेरे पिता यहाँ से विधायक रहे, 2 बार रामपुर खास की जनता ने मुझे अपना विश्वास दिया है, ये तीसरी बार है जब मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। 1980 से लेके और ये 22 का चुनाव चल रहा है, यही परिवार यानी प्रमोद तिवारी का परिवार, 9 बार प्रमोद तिवारी, 2 बार मोना, ये तो जनता का प्यार और विश्वास है, क्योंकि रामपुर खास हमारे लिए परिवार है, ये घर है मेरा, मैं यहाँ की बेटी हूँ, और ये विश्वास और प्यार मेरे पिता को भी मिलता रहा और मुझे भी मिल रहा है। अच्छा, प्रियंका जी के साथ आप बहुत टहल रही हैं, पूरे प्रदेश में घूमी, तो प्रियंका जी की मेहनत, उनका पसीना काम आएगा? बिल्कुल आएगा। आप देखिएगा जिस तरह से हमने नौजवानों का जो यूथ मैनिफेस्टो बनाया, किसानों के जो बातें हमने रखी, उन्होंने जो संघर्ष किया किसानों के लिए, और महिलाओं को जो 40% टिकट देने की बात है, ये सारे मुद्दे हैं, एक नए नैरेटिव को सेट किया है, और पूरा विश्वास है मुझे उत्तर प्रदेश की जनता पे कि अब की बार उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की लीडरशिप पे होगा। अच्छा, रामपुर खास में तो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट ही नहीं किया। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, हमने भी 2 सीटें उनके लिए छोड़ी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और एक और, तो उन्होंने एक मेरी, मैं CLP लीडर हूँ इसलिए छोड़ दी, तो कोई विशेष चीज़ नहीं, आभार है उनका। आभार है, लेकिन अखिलेश यादव जी यही आके कह रहे हैं कि कुंडा का कुंडी बंद कर। नहीं देखिए, वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर के क्या कहते हैं, उनकी पॉलिटिकल लाइन क्या है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, पर रामपुर खास में उन्होंने पहले भी मेरे लिए सीट छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी ने, मैं तब भी MLA पहली बार बन के आई थी, तब भी सीट छोड़ी थी, तो कोई नई चीज़ नहीं, हमने उनके लिए छोड़ी, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया है। जनता पार्टी जितनी मेहनत की है, विकास का काम कर रही है, तो कैसे हो? देखिए, विकास अगर कहीं देखना है तो रामपुर खास में देखिए, यहाँ पे हमने हर गांव को सड़कों से कनेक्ट किया है, 97% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, पानी की व्यवस्था है, एजुकेशन में हमने 1800% डेवलपमेंट हुआ है, तो बहुत सारी, अगर विकास देखना उत्तर प्रदेश में आई भारतीय जनता, योगी जी ने जो विकास किया है और बुलडोजर चलाई है, उसके असर रामपुर पे भी देखने को मिलेगा? कतई देखने को नहीं मिलेगा, रामपुर खास का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो अपनी जगह है, यहाँ के मुद्दे अपने हैं, यहाँ का विकास और यहाँ पे गरीब आदमी की सुरक्षा, ये मेरे पिता ने भी सुनिश्चित की है और मेरी भी प्राथमिकता है। योगी जी ने जो काम किया है उसका असर नहीं पड़ेगा, योगी जी को बहुमत नहीं मिलेगा? देखिए, कतई नहीं, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से असफलताएं अगर मैं गिनाऊँ भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी लंबी फेहरिस्त है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जितने किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, जो उनकी बेरोजगारी है, महिलाओं के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह असफल हो चुकी है, पर उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर, इस वक्त ना करके मैं रामपुर खास की के लिए इतना कहूंगी कि ये एक आदर्श विधानसभा बनाना मेरा संकल्प है, उसको मैं बनाऊंगी। ये है मोना, प्रमोद तिवारी की बेटी और आराधना मिश्रा, और साथ ही साथ विधानमंडल दल की नेता और